हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामी यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे साइन इन का फॉर्म हम लोग बना लिए थे, अब हम लोग देखेंगे साइन अप का फॉर्म के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जितना हम लोग को टाइम साइन इन के फॉर्म में लगा उतना टाइम हम लोग का साइन अप के फॉर्म में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी उसको बना चुके हैं। बहुत सारे स्टेटलेस क्लासेस था उसको हम लोग को बनाना था। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग बना चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में होगा ये कि जब भी हम लोग को अगर फॉर्म वगैरह बनाना होगा तो सिर्फ हम लोग को कॉल करना है, जैसे बटन वगैरह के लिए हम लोग अलग से एक स्टेटलेस क्लास बनाए थे, लेकिन अभी इस टाइम हम लोग को वो बनाने का जरूरत नहीं होगा, केवल हम लोग को उसको कॉल करने का जरूरत होगा। तो इसीलिए पहले जो है साइन इन का फॉर्म बनाने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट जो भी आएगा उसमें आई होप की टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन के फॉर्म में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए जो कि एक फॉर्म नहीं बल्कि एक टेक्स्ट होना चाहिए जो कि वहां पे ऐसा लिखा रहा हो कि अगर अकाउंट नहीं है तो वहां से वो साइन अप कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे साइन इन के फॉर्म में साइन इन का जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी बनाए थे उसके अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग फेसबुक, गूगल और ट्विटर का आइकन को रखे हुए हैं, यहीं पे हम लोग फॉर्म को डिस्प्ले करा सकते हैं, फॉर्म नहीं बल्कि हम लोग को टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे, तो मैं शुरू करता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे ये रो खत्म होने के बाद हम लोग को चूंकि कॉलम ऐड करना है, तो रो को खत्म होने के बाद यहाँ पे मैं एक साइज बॉक्स ले लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे मैं एक साइज बॉक्स दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं सपोज कि लाइक नो अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपली एक हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे। ठीक है, नो अकाउंट टेक्स्ट। अब ये क्लास चूंकि बना हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ। और अपीयरेंस में आके इसका भी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं 14 कर देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे नो अकाउंट टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं आता हूँ कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे एक नया मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू डार्ट फाइल और इसका नेम मैं दे देता हूँ नो अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इसका क्लास बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को, और ये जो क्लास होगा वो होगा स्टेटलेस विजिट, तो यहाँ पे स्टेटलेस में बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं यूज करता हूँ नो अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे की आएगा, सिंपली हम लोग यहाँ से एक की पास कर देते हैं कि ठीक है, की को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, एड रिक्वायर्ड कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं राइट क्लिक करके, ये इंपोर्ट हो गया और उसके अंदर एक की पास कर देते हैं लाइक वैल्यू की, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ नो अकाउंट टेक्स्ट, नो अकाउंट टेक्स्ट। ठीक है, ये की हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंटेनर के जगह पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न रो कराते हैं, क्योंकि ये रो में लिखा रहेगा, पहले वहां पे लिखा रहेगा डोंट हैव अकाउंट और उसके बाद वहां पे एक छोटा सा बटन रहेगा। ठीक है, जिसपे क्लिक करने के बाद वो साइन अप के फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं यूज करता हूँ चिल्ड्रन विजिट। ठीक है, और इसके अंदर दो चीज हम लोग को बनाना है, एक टेक्स्ट बनाएंगे जिसमें एक टेक्स्ट लिखा रहेगा लाइक डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, और दूसरे में हम लोग बनाएंगे वहां पे
एक बटन टाइप का टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ डोंट डोंट अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, हैव एन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल कुछ चीज का दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक सबसे पहले तो मैं फॉन्ट साइज का दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ मैं फॉन्ट साइज। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग साइज के लिए बनाए हुए थे, साइज स्क्रीन में आ जाते हैं। और यहाँ पे ओके, इसको अगर एक्सेस करना है तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके हम लोग बाहर भी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग बाहर से भी इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ स्क्रीन विथ को, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्क्रीन विथ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे 16 मैं दे देता हूँ, और इसको इंपोर्ट करा लेंगे तो ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग को एक बटन बनाना है, ठीक है। तो बटन हम बनाते हैं यहाँ पे जेस्टर डिटेक्टर में, तो यहाँ पे यूज करता हूँ मैं जेस्टर डिटेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली ऑन टैप मेथड यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे नेविगेटर नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और यहाँ पे राउट नेम हम लोग पास करेंगे सिंपली। तो इसे हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं फंक्शन, और यहाँ पे आपको ओके। तो अब यहाँ पे राउट नेम हम लोग को पास करना है, किसका राउट नेम हम पास करना है, हम लोग यहाँ पे साइनअप का राउट नेम पास करना है। तो अभी साइनअप के लिए हम लोग कोई स्क्रीन बनाया नहीं है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं चाइल्ड विजिट लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ सिंपली टेक्स्ट पास करता हूँ चाइल्ड विजिट के अंदर, और ये हो जाएगा साइन अप, साइन अप, ठीक है। इसका भी कुछ मैं स्टाइल दे देता हूँ स्टाइल, ठीक है। और फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और इसमें जाएगा आपका फॉन्ट साइज, मैं पास कर देता हूँ सेम जो ये पास किया था हमने, यही सेम चीज को यहाँ भी पास कर देता हूँ मैं 16, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कलर मैं कुछ दे देता हूँ इसका। तो कलर के लिए भी हम लोग एक बनाए थे कंटेंट बोल के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कलर इसका कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कलर डिफाइन कर दूंगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कलर यहाँ पे देता हूँ कलर्स डॉट सॉरी कलर्स डॉट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको सिंपली ब्लू एसेंट, ठीक है। ब्लू एसेंट दे दिया मैंने, और उसके बाद हम लोग को राउट यहाँ पे बनाना है, तभी हम लोग का यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और ये एरर भी यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पे साइन इन का फॉर्म हम लोग ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक नया डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर प्रोजेक्ट, ठीक है, लिप फोल्डर, और इसी के अंदर मैं एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ये होगा साइनअप के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइनअप, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू डायरेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नेम मैं रख देता हूँ साइन इन सॉरी साइनअप, साइनअप स्क्रीन डॉट डॉट, ठीक है। इसके अंदर कुछ हम लोग विशेष नहीं करना है, यहाँ पे मटेरियल, और यहाँ पे मैं स्टेटलेस विजिट बना लेता हूँ इसको स्टेटलेस विजिट, और ये हो जाएगा साइन अप, ठीक है। और इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एस्केप होल्ड रख देता हूँ, एस्केप होल्ड, स्कैप होल्ड,
ठीक है। इसके अंदर ऐप बार, और यहाँ पे ऐप बार मैं पास कर देता हूँ सिंपली लाइक साइन अप, ठीक है, पेज, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली ये ऐप बार में टाइटल पास होगा, तो इस तरह से हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट जाएगा और इसके अंदर हम लोग इस तरह से पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉडी में ले लेता हूँ, बॉडी में मैं यहाँ पे सेंटर एक विजिट लेता हूँ और इसके अंदर भी मैं सिंपली इसी को मैं कॉल पेस्ट करके यहाँ पे चाइल्ड और इसको पास कर देता हूँ, किया जाएगा आपको सेंटर में और ये हो जाएगा साइन अप का पेज, ठीक है। अब हम लोग को जाना है, एक राउट हम लोग को क्रिएट करना है, उसी राउट का हम लोग यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। तो राउट क्रिएट करने के लिए हम लोग जाना है राउट पेज में और यहाँ पे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और चूंकि यहाँ पे क्या करते हैं, जब सब जगह हम लोग साइन अप स्क्रीन लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं साइन अप का स्क्रीन लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग इसको राउट को ऐड करा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। और राउट नेम हम लोग को डिफाइन करना होगा, तो जैसे कि हम लोग साइन इन में राउट पे साइन इन के अंदर हम लोग राउट नेम डिफाइन किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग को सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेना है और जाना है साइन अप स्क्रीन में और यहाँ पे सेम हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइन अप, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन है साइन अप का, ये भी हम लोग का बन गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सिंपली राउट का नेम हम लोग यहाँ पे दे देना है राउट के लिए, तो साइन अप और यहाँ पे जाएंगे नो अकाउंट टेक्स्ट में और यहाँ पे राउट नेम पास कर देंगे और इसको इम्पोर्ट करा लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे साइन अप का भी पेज बन गया। आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग नो अकाउंट टेक्स्ट। तो अब हम लोग इसको साइन अप स्क्रीन यहाँ पे नहीं रहेगा, बेसिकली हम लोग साइन अप स्क्रीन डॉट राउट नेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं कि हम लोग का ऐप कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लिया हूँ, अब मैं इसको ओपन करता हूँ सिंपली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का आ रहा है लेकिन इस सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपने नो अकाउंट टेक्स्ट में जाना है और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं नो अकाउंट के लिए, तो यहाँ पे अब हम लोग को यूज करना है लाइक मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। इससे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है वो आ जाएगा आपका सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर में आ गया है, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं करता हूँ, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ डोंट को, ठीक है। और अब मैं अगेन रिलोड करता हूँ इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल में हो गया है और यहाँ पे साइन अप का भी फॉर्म जो है वो यहाँ पे रेडी है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अगर साइन अप के फॉर्म पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन अप के पेज पे आ जाएगा। तो अब हम लोग को काम यहाँ पे यही है कि हम लोग यहाँ पे साइन अप का पेज बनाए, यहाँ पे बैक चला जाएगा, फिर अगेन क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन अप के पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे साइन इन के स्क्रीन में आ गया हूँ और यहाँ पे इसके अंदर एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ साइन अप के अंदर, जैसे कि हम लोग साइन इन के अंदर किया हुआ था, तो वैसे ही सेम मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नेम रख दे दूँ कॉम्पोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर वैसे ही जैसे वहां पे हम लोगों ने किया था, सेम दो फाइल बनाएंगे, एक बॉडी के लिए, ठीक है, और एक बनाएंगे हम लोग फॉर्म के लिए, साइन अप का फॉर्म के लिए, ठीक है। तो एक और मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और ये होगा साइन अप फॉर्म फॉर्म, ठीक है। और अब साइन अप के स्क्रीन में यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें करना है, लाइक यहाँ पे जब हम लोग इसको स्कैफोल्ड लिए हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ठीक है साइन अप, इसको मैं पेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और साइन अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बॉडी में हम लोग केवल बॉडी को पास कर देंगे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा बॉडी, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पे बॉडी में, बॉडी डॉट डार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं अब पहले तो इम्पोर्ट कर देता हूँ मेटेरियल को, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे
स्टेटफुल विजिट बनाएंगे हम लोग, स्टेटफुल विजिट, और ये होगा बॉडी, ठीक है। और इसको अभी मैं जस्ट कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेफ एरिया, जो कि चारों तरफ से थोड़ा सेफ होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चाइल्ड विजिट को ऐड कर लेंगे, चाइल्ड विजिट, ओके। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली पैडिंग, एक पैडिंग, और इसको पैडिंग भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो पैडिंग के लिए हम लोग देते हैं यहाँ पे पैडिंग एड इंस्टेंस, ठीक है, डॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे होरिजेंटली हम लोग कुछ पास कर देते हैं इसका, ठीक है। तो होरिजेंटली हम लोग इसको पास कर देते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे, आपको याद हो तो, हम लोग साइज के लिए बनाए हुए थे स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और बॉडी में जाके यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। और इधर मैं कर देता हूँ इसको सपोज कि 4 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पैडिंग के बाद, अब इसके अंदर हम लोग एक चाइल्ड विजिट लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिंगल स्क्रॉल व्यू लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जब पेज बड़ा होगा तो डिफरेंट अगर साइज होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिंगल स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे एक चाइल्ड विजिट, और इसके अंदर मैं कॉलम पास करता हूँ, कॉलम, आपको पता है कॉलम के अंदर होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विजिट, ठीक है। अब इसके अंदर वो सारे फॉर्म्स हम लोग रखेंगे जिसका हम लोग को जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट रखेंगे, और टेक्स्ट के बाद वहां पे हम लोग फॉर्म को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस इसको दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं देता हूँ साइट बॉक्स, साइट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका कुछ मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट इसका सपोज गेट विथ, और इसको मैं यही हाइट दे देता हूँ इसका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे सिंपली मैं पास कर देता हूँ टेक्स्ट में रजिस्टर अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पास कर सकते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे पास करते हैं कंप्लीट, कंप्लीट योर डिटेल्स और कंटिन्यू, कंटिन्यू विथ, कंटिन्यू के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्लैश एन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू विथ, कंटिन्यू विथ सोशल मीडिया, क्योंकि लॉगिन के स्क्रीन में हम लोगों ने सोशल मीडिया को दिया हुआ था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका मैं जो, हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइज बॉक्स को यूज कर लूंगा एक बार और, जो कि थोड़ा सा इसमें स्पेस आएगा। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइज बॉक्स, साइज बॉक्स, और सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का काम है कि जो फॉर्म का फॉर्म बनाएंगे वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है। एक बार मैं पेज को यहाँ पे हॉट लोड करता हूँ, और देखते हैं कि हम लोग का फॉर्म कैसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बॉडी यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट करा लेना होगा, तो ये मैंने इम्पोर्ट करा लिया। अब मैं इसको हॉट लोड करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, मैं साइन अप के पेज पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे देखें तो हम लोग का यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा जो लेफ्ट में आ रहा है इसको हम लोग को सेंटर में करना है। तो मैं बॉडी में आता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली यूज कर लूंगा कॉमा देके, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से स्पेस ज्यादा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ। और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ और इसको मैं 10 करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटर में आया है, लेकिन अभी भी हम लोग को चाहिए कि इसका थोड़ा सा जो विथ है उसको हम लोग थोड़ा सा और करें। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपली 30, ठीक है। और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखिए अब थोड़ा सा और इधर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको स्टाइल के लिए। इसके बाद हम लोग को जाना है अपने यहाँ पे साइन इन के पेज में, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो बॉडी में बनाए थे इसके लिए सोशल आइकन के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके कि ये जो रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा इस बॉडी में, साइन अप के बॉडी में, जिससे सोशल आइकन जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज हम लोग इम्पोर्ट कराना होगा, लाइक सोशल कार्ड है इसको हम लोग को इम्पोर्ट कराना होगा, ठीक है, और ये भी यहाँ पे आ गया। ओके अब हम लोग यहाँ पे एक और काम करते हैं कि यहाँ पे एक और हम लोग पहले तो हाइट इसको दे देते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और मैं टेक्स्ट पास करता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपली पास कर देता हूँ बाय कंटिन्यू, बाई कंटिन्यू, ठीक है, योर यू कंफर्म दैट यू एग्री विथआउट टर्म एंड कंडीशन, विथआउट टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एग्री के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्लैश एंड आए, ठीक है, जैसे कि ये लाइन ब्रेक हो, वैसे ही यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब सोशल मीडिया कंटिन्यू आ रहा है उसके और कंटिन्यू, और यहाँ पे मैं एक स्लैश एन देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो स्क्रीन है वो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर अकाउंट और कंप्लीट योर डिटेल्स और बाय कंटिन्यू विद द कंफर्म आवर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लाइन पास कर देते हैं टेक्स्ट के बाद, तो ये भी आ जाएगा आपको सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन इसका पास कर दिया, मैं रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये भी परफेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली इसमें काम है कि हम लोग अपना जो इसमें ऐड करना है उसको हम लोग ऐड करें, और थोड़ा सा रजिस्टर जो आ रहा है रजिस्टर अकाउंट इसको साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट
स्टाइल पास कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली फॉन्ट साइज मैं विथ के हिसाब से इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 20। ओके, और एक और चीज इसको करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल के अंदर स्टाइल, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ लाइक थीम, थीम डॉट ऑफ। ओके, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास होता है, और उसके बाद डॉट, और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट थीम। ओके, डॉट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं सिंपली कैप्शन। ओके, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं रिलोड किया, अब आपने देखे जो टेक्स्ट है नीचे का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कैप्शन के टाइप से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाय कंटिन्यू कंफर्म डेट यू एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन, विथ आवर टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, और रजिस्टर जो अकाउंट है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म को बनाते हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग को कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं साइन अप फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि अभी हम लोग ने इसका क्लास बनाया नहीं है तो उसको हम लोग को बनाना होगा। मैं अब यहाँ पे साइनअप के फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मेटेरियल डॉट डार्ट को। ओके, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्टेटफुल विजिट लेते हैं, स्टेटफुल विजिट। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये जो क्लास है जो हम लोग यहाँ पे दिए थे बॉडी के अंदर, इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली जब हम लोग प्लेटफॉर्म बनाए थे इसके लिए साइन इन के लिए, तो वही वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पे कॉपी करके ऐड कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक हम लोग को कॉपी करना है। तो आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ से लेके बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे ये स्टेट विजिट शुरू हो रहा है क्लास के लिए, यहाँ पे यहाँ से लेके आपको कॉपी करना है, मतलब कि लाइन नंबर 17 से लेके बाकी नीचे तक पूरा आपको कॉपी कर लेना है, और साइन अप के फॉर्म में जाना है, और यहाँ पे आपको लाइन नंबर 14 से जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेके आपको नीचे पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा मैं इस स्क्रीन का साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, आई होप आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको 14 कर देता हूँ, और अपीयरेंस एडिटर में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। ओके, नीचे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है, और इसके बाद अब हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे लाइक इंपोर्ट कराना होगा, जैसे कि स्क्रीन साइज है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे फॉर्म एरर है इसको भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है। ठीक है, डिफॉल्ट बटन ये भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ईमेल वैलिडेशन रिजेक्ट है इसको भी इंपोर्ट कराते हैं, ईमेल आ गया यहाँ पे। और उसके बाद कस्टम आइकन है जो कि ऑलरेडी हम लोग ऐड किए थे, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको पेज को अगेन रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है बॉडी के अंदर, जो हम लोगों ने बॉडी साइन अप फॉर्म बॉडी, ओके यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसको हम लोगों ने इम्पोर्ट नहीं करा है, तो इसको भी इम्पोर्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे अब मैं रिलोड करता हूँ स्क्रीन को, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन बन चुका है, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना जल्दी हम लोग का स्क्रीन यहाँ पे बन गया। ठीक है, जितना कि पिछले वीडियो में हम लोग को टाइम लगा उससे कम टाइम में हम लोग का बन गया यहाँ पे, इसीलिए हम वहां पे आप लोग को ये किए थे कि पहले से इसका जो भी कंपोनेंट है जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे बना ले। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग को चेंज करना है, लाइक यहाँ पे जब हम लोग रजिस्टर लिखे हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको रजिस्टर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज हम लोग बड़ा करते हैं, तो इसको मैं 20 कर देता हूँ साइज बॉक्स हाइट के लिए, सॉरी 10 कर देते हैं, और इसको मैं रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इसका मैं हाइट नहीं, इसका मैं ये सेट कर देता हूँ, हाइट सेट करता हूँ।
हाइट से ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो बॉडी में आके इसका मैं हाइट सेट करता हूँ यहाँ पे 10 10, हाइट इसका सेट किया मैंने। अब इसको मैं रिलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा आएगा, ठीक है। इसको मैं हाइट सिंपली 20 कर देता हूँ, इसका डबल, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे ये आ गया है, ओके। अब एक चीज और करना है कि यहाँ पे जहाँ पे ये दिए हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 20, तो ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा, जो साइज है वो 20 इसको दे दिया मैंने। और उसके बाद ये जो सोशल आइकन है, इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे पास करना होगा कि ये थोड़ा सा बटन के नीचे आए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट हम लोग का थोड़ा सा और नीचे आ गया। एक जो चीज और हम लोग को करना है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे तो सबसे पहले इसका साइन इन का नेम हम चेंज कर देते हैं, और ये नेम चेंज होके जाएगा साइन अप फॉर्म, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और साइन अप के फॉर्म में यहाँ पे जहाँ पे साइन इन है इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए साइन इन के फॉर्म में तो केवल इतना ही पार्ट नहीं रहता है, इसमें और भी पार्ट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पेज पे उसको हम लोग सेंड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद बाकी जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट पेज पे इसको दिखाएगा। यहाँ पे केवल हम लोग ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ठीक है। और एक और चीज हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन के फॉर्म में ही यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड के जगह पे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और नीचे आने के बाद जहाँ पे हम लोग पासवर्ड बनाए हुए हैं पासवर्ड के लिए, ये तो ईमेल का हो गया, ठीक है, और ये हो गया पासवर्ड का, इसी को हम लोग को कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे जहाँ पे पासवर्ड बनाए थे पासवर्ड के लिए, इसको भी हम लोग को यहाँ पे एक और फील्ड बनाना होगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसको कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे जाना है कंफर्म पासवर्ड में, और यहाँ पे आपको जहाँ पे वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग पास कर दे रहे हैं कंफर्म पासवर्ड। और एक चीज यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि पासवर्ड जो है वो मैच होना चाहिए आपका जो पहले जो पासवर्ड है उसे, मतलब कंफर्मेशन जो पासवर्ड होगा वो आपका मैच होना चाहिए जो पासवर्ड उसने दिया है उससे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लेबल टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड रहेगा इसका, कंफर्म पासवर्ड मैं कर देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड। और एक और चीज यहाँ पे ऑन चेंज में हम लोग को यहाँ पे जब भी वो चेंज करेगा उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज हम लोग करेंगे, या तो ये एम्प्टी होता है या तो वैल्यू इसका कम होता है, या फिर अगर ये मतलब और यहाँ पे और लगाते हैं और उसके साथ यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, ये तो पासवर्ड का हो गया, यहाँ पे हम लोग कंफर्म का लगाना है एक चीज और, तो इसी को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे और नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि क्या पासवर्ड जो है वो कंफर्म पासवर्ड से मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ पासवर्ड नॉट इक्वल टू ये जो कंफर्म पासवर्ड है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर देगा और ये शॉर्ट का नहीं देगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पास कंफर्म, पास कंफर्म एरर, और हम लोग चलते हैं अपने कॉन्टेक्ट में
और यहाँ पे आके हम लोग ऐड कर लेंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स, और इसके अंदर जाके सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड आर नॉट मैच, ठीक है। और उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे साइनअप के फॉर्म में, और यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसको अगेन रिलोड करता हूँ और हम लोग का फॉर्म देखते हैं। तो हम लोग का फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का फॉर्म जो है वो रजिस्टर अकाउंट का, वो यहाँ पे रेडी हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ईमेल आ गया है, ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड मैं देता हूँ सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो ये आ गया कि पासवर्ड इज टू शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड कुछ और देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड इज टू शॉर्ट आ रहा है, ये साइन इन का फॉर्म है। और यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ और यहाँ पे ईमेल मैं देता हूँ, पासवर्ड अगेन मैं देता हूँ सपोज कुछ भी, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी कोई भी 8 करेक्टर का मैं पासवर्ड देने का कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये आया नहीं एक्चुअली, तो चेक करते हैं क्यों नहीं आया। पासवर्ड कॉन्फर्मेशन, कंफर्म पासवर्ड, ओके ओके पासवर्ड कंफर्म। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नहीं डालना होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इफ पासवर्ड जो ऊपर वाला पासवर्ड है वो अगर ये इक्वल टू नहीं होता है वैल्यू का, जो ये कंफर्म पासवर्ड का जो वैल्यू है उसके इक्वल टू नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे एरर को रिमूव नहीं करेगा, एरर को ऐड करेगा, ठीक है। तो ये भी चेंज हम लोग यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इल्स में भी डालेंगे जब ऑन चेंज होगा तब, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पासवर्ड इक्वल टू अगर यहाँ पे होता है इक्वल टू अगर वैल्यू के होता है तो, ठीक है, जो वैल्यू है उसके होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा ये इसको अब रिमूव करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, और यहाँ पे आप देखिए तो मैंने ऐप को रिस्टार्ट किया, और उसके बाद मैं साइन अप के पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल दे देता हूँ, सपोज कि मैं अपना ईमेल दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक कुछ भी पासवर्ड देता हूँ जो मैच नहीं कर रहा है इससे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरर शो होने लग गया है, पासवर्ड्स डोंट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके। अब मैं एक चीज और करते हैं कि यहाँ पे रिमेम्बर मी नहीं होगा और फॉरगेट नहीं होगा, तो उसको हम लोग को यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, फॉर्म एरर है और रिमेम्बर मी भी नहीं होगा यहाँ पे, और ये चेकबॉक्स भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग को सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये साइन अप का पेज है, तो साइन अप के पेज पे हम लोग को फॉरगेट पासवर्ड तो नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो कंटिन्यू का बटन है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सारा एरर आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे करना है कि जो बाकी एड्रेस वगैरह के लिए है उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, उसके बाद से ये दूसरे स्क्रीन पे जाएगा और वहां से अपना जो डिटेल्स है उसको फिल करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।